मेरा नाम नसीर सिद्दीकी है और ये सोच नाम की संस्था है जिसको मैंने बड़े नाजो नखरों से पाला हुआ है। सन 2004 में इस एनजीओ को हमने रजिस्टर्ड कराया था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ। और इसमें हम ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो विधवाएं हैं या परित्यक्ताएं हैं अथवा जिनके तलाकशुदा हैं, औरतों के बच्चों को हम लोग काम सिखाते हैं। यहाँ पर ऐसे बच्चे स्पोकन इंग्लिश यहाँ सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं और उनकी मम्मियों को आप देख रहे हैं, जो मशीनें आप देख रहे हैं इधर दिखाइए जरा सा, ये जो मशीनें रखी हुई हैं, इन मशीनों में आकर के वो बहनें हमारे यहाँ पे सीखती हैं। और सीखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उनको काम भी दिलाते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें सिलाई के साथ साथ काम भी दिया जाता है। काम उनको इस तरह से, हमारे पास में लगभग इस सेंटर में 30 महिलाएं आती हैं, 10-10 के बैच में आती हैं, वो सीखती हैं, पहले हम उनको सिखाते हैं। ऐसी महिलाएं जो कि सैनिटाइजेशन का वर्क करती हैं, ऐसी महिलाएं जो कि सफाई का काम करती हैं, ऐसी महिलाएं जो कि झाड़ू पोछा करने घर जाती हैं, घरेलू हालत की वजह से उन्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पति नहीं है, इसलिए तब वो उनको बच्चे पालने के लिए उन्हें जरूरत बन जाती है उनको काम करने की। ऐसी औरतें हमारे साथ में यहाँ पे आके सीखती हैं और सीखने के बाद में हम उनको काम देते हैं। काम हमारे पास दो तरह का है, एक तो वो बड़ा सिंपल सा वर्क है, हम लोग मसलिन मैटर का एक बैग बनाते हैं और बैग बना करके जिसमें आप सब्जी वगैरह ला सकते हैं वो हम सेल करते हैं आपस में। और दूसरा काम हम लोग एक ब्रांडेड कुर्ती हम लोग बनाते हैं, तो कुर्तियाँ बना करके उसको मार्केट में सेल करते हैं। हमारे पास में अभी स्कोप कम है, हमारे पास कम लोग हैं, कम तो हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। सिलाई के साथ साथ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि नर्सिंग असिस्टेंट जैसे कोर्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का पार्ट यहाँ पे होता है जो आप देख रहे हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ उन महिलाओं को हम लोग क्या करते हैं, पास के नज़दीकी अस्पताल में हम लोग उनको काम दिलाते हैं। तीसरा काम हमारा है ब्यूटी एंड वेलनेस का काम है। ब्यूटी में हम लोग क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिशन पे सिखाते हैं। ये आप देख रही हैं, ये हमारे ब्रांडेड कुर्ती है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई, हमारे बहनों ने बनाई हुई है और इसको बना करके हम लोग मार्केट में सेल करते हैं और बहुत ही नॉमिनल कास्ट में पड़ती है। इसी तरीके से हमारा पूरा ये वर्कशॉप है और इस वर्कशॉप में देख सकती हैं आप, हमें कोई एक डिजाइनर हमने रखी हुई थी, ये पैटर्न है और पैटर्न के जरिए हम लोग काम करते हैं। और ये आप देख सकती हैं हमारी सिंपल सी कुर्तियाँ, बहुत ही प्यारी सी, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, बच्चे ले आते हैं हमारे यहाँ से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव कुर्तियाँ। इन एक मशहूर डिजाइनर वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों को सिखाती, मतलब डिजाइन करती हैं हमारे लिए। तो ऐसे बहुत से आइटम हमारे पास में जो कि बहुत ही मेहनत से बनाते हैं ये लोग और बना करके इन लोगों को हम लोग आगे सेल करते हैं। तो ये हमारे कुछ आइटम हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, हमारे कुछ बहनें जो हैं, हम आपको दिखा दें अपना कुछ वर्कशॉप हमारा ये है और कुछ बहनें हमारी, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा बैग है जो कि मसलिन मैटर से बना हुआ है। ये हमने मार्किंग जिसे कहते हैं, ये खास तरह का मार्किंग है, 5 किलो का झूला हम लोग बना करके मार्केट में सेल करते हैं इसको, और उस सेल करने से जो भी इनकम आती है वो इन सब बहनों को मिलती है। तो ये हमारे मोटे मोटे काम है जिसके सारे हम लोग आगे चल रहे हैं। और इसी सेंटर से हम लोग जो है ट्रेनिंग और प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का काम। तो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, 10 दिन की 20 दिन की ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जिसमें कम टाइम पे उनको अपने पैरों पे वो खड़े हो जाएं। और 10वीं 12वीं पास महिलाओं को हम लोग 10 से 12 हज़ार की नौकरी दिलाने में कामयाब रहते हैं। तो ये हमारे ज़्यादातर महिलाएं, ज़्यादातर बहनें कुछ यहाँ पे इस कमरे में। हाँ, मैं ब्यूटिशियन का आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ इस कमरे में ब्यूटिशियन के भी काम होता है। तो लेडीज़ जो है यहाँ पे ब्यूटिशियन का सीखती हैं। आज यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, कोई फंक्शन की वजह से, इसलिए थोड़ा सा स्टोर जैसा लग रहा होगा। अदरवाइज वहाँ पे लेडीज का ब्यूटिशियन है और ब्यूटिशियन में आप देख सकते हैं कि लेडीज अपना ब्यूटी पार्लर करके और आसपास के इलाके में जैसे द्वारका है, वसंत कुंज है, गुड़गांव है,
इनमें रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से हम लोग उनको वहाँ पर पहुँचाते हैं। ये हमारे सोच का बेसिक काम है। अभी हमने पैन इंडिया लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग अपने एनजीओ के माध्यम से 550 सेंटर हैं हमारे पास में। हमने कई एनजीओ से टाइप किया है, कई यूनिवर्सिटी से टाइप किया है, इंस्टीट्यूट से टाइप किया है, स्कूल से टाइप किया हुआ है। और टाइप कैसा किया हुआ है कि हम उनको, उनके बच्चों को हम फ्री प्लेसमेंट कराते हैं। हमारे बच्चे रिलायंस में हर महीने 5,000 बच्चे जाते हैं पूरे इंडिया में। इस तरह टाटा स्काई हमारे 5,000 बच्चों को लेता है, अडानी ग्रुप, ऐसे कई नीम योजना, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी फॉर एनहेंसमेंट मिशन, ये और नैप, ये हमारे ब्रांडेड चीजें हैं जिनके लिए हमारे लगभग पिछले साल हम 40,000 बच्चों को दे चुके हैं, रोजगार दे चुके हैं। और इस साल हम लोग 1.5 लाख का टारगेट है हमारा। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिटी हेल्प का मेजर डिपार्टमेंट सोच ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है, जिसका काम है ऐसे बच्चों को, ऐसी महिलाओं को, ऐसे आदमियों को जो 18 साल से 35 साल तक के हैं, उनको ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग देकर, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देकर उनको उनके पैरों पर खड़ा करना, उनको रोजगार दिलाना। थैंक यू।